इस समय हम खड़े हैं अपने प्रवचन रिचुअल से वो अंदर आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से होता है। अभी इस समय जो है महिलाएं काफी मात्रा में यहाँ पर आई हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, द्वापर युग में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण जी से आज के व्रत के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं जिससे हर प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, आप सभी की दीर्घायु होती है। गुरु गणपति महाराज की जय। अब गाते जाओ, ले वीरो कुड़ी करुणाले सर्व सुहाम, चले जाओ धन ले वीरो कुड़ी करुणाले सर्व सुहाम, आज करवा चौथ का दिन है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन व्रत रखती हैं और इस समय जो है अब समय नज़दीक आने वाला है कि इनका व्रत पूरा हो जाए। मैम कैसा दिन रहा, किस तरीके से बीता आज आपका दिन? बहुत बढ़िया दिन रहा। इसकी तैयारी आज ही नहीं, इसकी तैयारी हमने 4-5 दिन पहले शुरू कर दी थी। नए नए कपड़े खरीदे हमने, मेहंदी की तैयारी पहले कर ली थी और साज सिंगार सब कुछ, और सुबह से ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। 5 बजे ही हम औरतें वेट करती हैं कि सुबह उठें, हम सरगी खाएं पहले, और सरगी खाते ही हम माता रानी के आगे मत्था टेकें। फिर उसके बाद पूरा दिन हमारा चूड़ियां पहनने में, मेहंदी लगाने में, अपने आप को सजाने में, बिंदी लगाने में, सिंदूर लगाने में और इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। और फिर शाम को हम इंतज़ार करते हैं कि हम मंदिर जाएँ, भगवान के आगे मत्था टेकें, अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं हम सारी औरतें, और यही कामना करती हैं कि हर साल हम ऐसे ही तैयार होते रहें और ऐसे ही हम भगवान का नाम मन में रख के, माता रानी के आगे मत्था टेक के, हम इसी तरीके से इन त्यौहारों को मनाएं। चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना ना हो, हम ऐसे ही ये त्यौहार मनाते रहें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी सलामती के। मगर इस साल का करवा चौथ जो है वो पहले के सालों से अलग है, और आपको थोड़ा सा तो डर होगा कि कोरोना वायरस है, किस तरीके से रहे? डर तो मन में होता ही है, जब से ये कोरोना आया है डर तो सबके मनों में है। बस इस साल यही है कि हम यही मान के चलते हैं कि हमने डर के आगे जीतना है। हमने एक ही चीज़ है जो डर के आगे है, इस कोरोना के आगे है, वो है ऊपर वाला, वो है माता रानी का आशीर्वाद, और बस हम उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस डर को भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं और हम इन त्योहारों को मना सकते हैं। पूरा दिन आपने व्रत रखा है और अभी जो है व्रत करने का वक्त हो रहा है, क्या कहेंगे आप, कैसा रहा है? आज का दिन बहुत ही स्पेशल था क्योंकि जो ये साल निकला, ये 2020 ये कोरोना से भरा हुआ था, और जब ये करवा चौथ का त्यौहार आ रहा था तो एक मन में एक होप सी जागी कि अब हम फिर से बाहर निकलेंगे और अच्छा तैयार होंगे, खुशी मनाएंगे, घर में अच्छी मिठाइयाँ आई, बहुत अच्छा लगा, पूरा घर महक उठा, एक अलग सी वेव हुई। कोरोना दिमाग से निकल के अब लगा कि नहीं, हमें आगे का सोचना है, अब त्यौहार आ रहे हैं, हमें उनकी तैयारी करनी है। तो दिन पूरा तैयारी में और एक खुशी का एहसास था जो बहुत अच्छा लगा आज के दिन में। मगर कोविड अभी बरकरार है, कहीं ना कहीं दिमाग में तो आपको चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं
हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। अब जैसे कहते हैं दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी, वो तो हम कर ही रहे हैं, और ये हमें अब अपनी इम्यूनिटी के साथ चलना है, हमें जीवन भर इसके साथ रहना ही है क्योंकि ये बीमारी तो आ ही गई है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, वो हम लोगों ने कर ही ली है, और हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, जो आयुर्वेदा मेडिसिन हैं वो खा रहे हैं, जितना भी कर सकते हैं कर रहे हैं, पर अब एक मन में एक बहुत एक वो आ चुका है कि नहीं, अब हमें अपना हर त्यौहार हर खुशी मनानी है क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनसर्टेन हो गई है, टाइम का कुछ पता नहीं है, तो हर खुशी को अच्छे से जीना है।